राज 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 गेट अप, सुबह हो गई है। सो प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग कल रात को बीच पे ही सो गए, बट गुड थिंग इज सुबह सुबह हमें ये ग्रेट सीनरी देखने मिला। सो वी आर नॉट श्योर कि हैप्पी होना चाहिए दुखी, बट वी आर डेफिनेटली एन्जॉइंग द सीनरी। तो अभी हम लोग उठे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, हम लोग फ्रेश हो गए, हम लोग ने इधर का सीनरी भी एंजॉय कर लिया है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट जाने वाले हैं हाजी अली, इट इज़ अ दरगाह, सो लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं हाजी अली, विच इज़ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ सेकेंड डे। और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि एक पाथवे है जो एक आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है जिस पर हाजी अली है, एंड वो आइलैंड के लिए एक ही पाथवे है। जब हाई टाइड आता है और वाटर लेवल्स राइज होते हैं तो ये जो पाथवे है वो सबमर्ज हो जाता है वाटर के अंदर, तो एक्सेस बंद हो जाता है। सो जैसा आप देख सकते हैं काफी विंडी कंडीशंस है यहाँ पर, और अब हम जाने वाले हैं हाजी अली के अंदर। सो लेट्स मीट इनसाइड। अभी हम रुके हैं टैक्सी के लिए और हम जाने वाले नेक्स्ट लोकेशन पे जो है बांद्रा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बांद्रा बैंडस्टैंड, और अभी हम लोग हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग पे। सो दिस ब्रिज वाज ओपन्ड इन 2009 एंड इट इज 5.6 किलोमीटर्स लॉन्ग। सो अब एंजॉय द व्यू। हमने कहा था कि हम अभी जाएंगे बैंडस्टैंड, लेकिन अभी एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम लोग जा रहे हैं हमारा लंच करने। सो लेट्स गो। और यहाँ पर हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि आई डोंट नो आपको दिख रहा है क्या, बट एक्सेलेंट सी व्यू के साथ हमें खाने को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। सो वी आर गोइंग टू ईट। वैसे तो हम लोग मुंबई में काफ़ी बार आए हैं और इतना विंड कभी नहीं होता, बट आज हम लोग ब्लॉग करने आए हैं और हर जगह विंड ही विंड है हमारी ऑडियो क्वालिटी को ख़राब करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग बैंड स्टैंड पे आए हुए हैं और इधर काफ़ी विंड है आज, पता नहीं क्यों बस हर जगह सिर्फ विंड और विंड ही है।
और अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि इस व्लॉग में सिर्फ हम लोग सी के नज़दीक के शॉट्स दिखा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई एक आइलैंड सिटी है, तो यहाँ चारों ओर सी सी है. सो अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत सारा सी एटलीस्ट आज के दिन देखने मिलेगा. वेल फर्स्ट डे पे भी सी सी था, सो काफ़ी अनफॉर्चुनेट आपके लिए, लेकिन वी आर एंजॉइंग द एटमॉस्फियर. अभी हम लोग आ गए हैं माउंट मेरी चर्च के यहाँ. ये जो मेरे पीछे है ये फातिमा ओरिट्री है. ये 10 दिनों के लिए अभी बंद रहने वाली है रिपेयरिंग के लिए, सो हम इधर नहीं जा सकते, लेकिन अब हम लोग जाने वाले हैं चर्च में. हम लोग अभी चर्च में जाके आए, लेकिन चर्च के अंदर भी प्रोफेशनल कैमराज आर नॉट अलाउड. सो हम लोग ने अपने मोबाइल पे ही अगेन वीडियो बनाया है आपको दिखाने के लिए कि चर्च अंदर से कैसा है. सो क्या कर सकते हैं. एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता कि कैमरा और मोबाइल फ़ोन में डिफरेंस क्या है, ये लोग क्यों अलाउ नहीं करते, बट इट्स ओके. हम लोग ने फिर भी आपके लिए थोड़ा सा फुटेज ले ही लिया है, सो एन्जॉय. तो आज का दिन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है हमारे लिए. बहुत सारे जगह पे शूटिंग अलाउड नहीं था, और उसके बाद हमारे पैसे ख़त्म हो गए थे. यानी बैंक अकाउंट की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, कैश नहीं था हमारे पास. तो अभी हम लोग एटीएम ढूंढ रहे हैं, एटीएम दूर दूर तक नहीं है. सो आई गेस वर्चुअल मनी से हमें काम चलाना पड़ेगा. हम लोग अभी तक एटीएम ढूंढ नहीं पाए हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं. हमारा ये पूरा व्लॉग एक स्टैग्नेंसी पे आ गया. हम लोग कितना देर से, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोग एटीएम ढूंढ रहे हैं और एक एटीएम नहीं है इधर. सो लेट्स गो एंड कंटिन्यू टू फाइंड एटीएम. तो हमें फाइनली टैक्सी मिल गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं सिद्धिविनायक टेम्पल. इट इज़ इन दादर एंड यस, हमें पैसे भी मिल गए एटीएम से. सो लेट्स कंटिन्यू. अभी हम आ गए हैं सिद्धिविनायक टेम्पल में. सो हमें ऑन द वे पता चला कि टेम्पल के अंदर इवन मोबाइल फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड. हम लोग ज़रा डिसअपॉइंट हो गए थे, बट इधर आने के बाद हमें पता चला है कि टेम्पल के अंदर गॉड का आइडल अभी नहीं है, वो बाहर निकाला है. एक रैली चल रहा है इधर, तो आइडल बाहर है. हम लोग अभी जाने वाले हैं उसको देखने. लेट्स गो. रैली में काफ़ी सारे ग्रुप्स आए हुए हैं जो अलग अलग कल्चरल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डांसेस कर रहे हैं एंड काफ़ी सारा म्यूजिक भी है. अब हम देख सकते हैं भगवान के आइडल को जो यूजुअली टेंपल के अंदर रखते हैं, लेकिन आज उसको बाहर निकाला है. That's it for this vlog. अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट्स में बताओ. बाय बाय.